सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। तो आ गए हम एक नए ब्लॉग के साथ। तो काफ़ी टाइम बाद हम अपने एक नए ब्लॉग के साथ आए हैं, क्योंकि मेरे पेपर वगैरह चले तो मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉग वगैरह नहीं बना रहा था। तो चलो अभी चलते हैं, आज हम कहाँ जा रहे हैं अभी आप रास्ते में चलते हैं, आपको सब चीज़ें एक करके बताते हैं आज हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे जा रहे हैं। तो चलो अभी निकलते हैं घर से, मेट्रो पकड़ते हैं और रेलवे स्टेशन को चलते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं सराय रोहिला के रेलवे स्टेशन पे। अभी यहाँ से ट्रेन होगी पठानकोट की, फिर अभी ट्रेन आएगी, ट्रेन में बैठते हैं, फिर चलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, फिलहाल ट्रेन हमारी आ चुकी है, अभी हम ट्रेन पे बैठे हुए हैं। अभी हम यहाँ से पहले पहुंचेंगे पठानकोट, तो मैं जा रहा हूँ उसमें, मिलते हैं आपसे पठानकोट पहुँच के। सो हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। भाई मैं सुबह उठ चुका हूँ, अभी बजे होंगे सुबह के 7:30। अभी हम फिलहाल पहुँचे हैं जलंधर कैंट से आगे, अभी भी फिलहाल हम ट्रेन में ही बैठे हुए हैं, अभी तक पठानकोट आया नहीं है। चलो बैठते हैं, बाहर के नज़ारे देखते हैं, मस्त मौसम हो गया, आपको भी थोड़े बहुत नज़ारे दिखाते हैं बाहर के। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना, छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे, छुपा छुपाई नजर तो आई ना। अब तो आ रहा सुदास आ रही बारात, करना इंकार बार बार देना साथ। तो गाइज, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं अभी मैक्लोडगंज में। अभी हम यहाँ आ रखे हैं, अभी हम अपना होम स्टे ढूंढ रहे हैं, कोई होटल वगैरह हमें मिले यहाँ पे, क्योंकि सारे होटल वगैरह फुल हो रखे हैं। रास्ते मैंने ज़्यादा ब्लॉग वगैरह नहीं करा, बस मैं यार बहुत भीड़ हो रही थी और फ़ोन की बैटरी भी लो थी, ज़्यादा बैटरी भी नहीं थी, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करा मैंने जो आपने देखा होगा। तो फिलहाल अभी हम ढूंढ रहे हैं होटल वगैरह, तो होटल अगर हमें जो भी मिलता है, होटल होम स्टे कुछ भी मिलता है, फिर आपसे मिलते हैं वहाँ पहुँच के। गाइज, होम स्टे का तो पता नहीं, बट हमें यहाँ कुत्ते बड़े प्यारे प्यारे मिल रहे हैं। ये देखो कितना प्यारा कुत्ता है, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो, एक ये रहा, एक यहाँ बैठा है, ये देखो। जब तक होटल नहीं मिलता इनसे टाइम पास करते हैं अपना थोड़ा बहुत। तो फ्रेंड्स, अभी हमें यहाँ मैक्लोडगंज में तो मिला नहीं होटल, अब हम जा रहे हैं ऊपर धर्मकोट, वहाँ देखते हैं हमें मिलते हैं नहीं मिलते। हाय, ये रहे आगे कुछ और, तो चलते हैं ऊपर की साइड, देखते हैं क्या होता है। यार एक तो हमें यहाँ होटल नहीं मिल रहा, ना कोई होम स्टे मिल रहा है, ऊपर से बैग लेके इतनी खड़ी चढ़ाई में चढ़ने पे लगे हुए हैं। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, बट ऊपर जाना है, रहना तो है ही रात में, वरना रात में रहेंगे कहाँ। चलो चलते हैं, देखते हैं, अभी 1 किलोमीटर और चलना है ऊपर, फिर देखते हैं कहाँ मिलता है होम स्टे या होटल वगैरह कुछ भी, रूम वगैरह। यार अभी हम ऊपर जा रहे थे धर्मकोट की साइड, यहाँ पे एक बड़ा मस्त सा व्यू आया, आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ से देखो मैक्लोडगंज और धर्मशाला का कितना मस्त व्यू है यहाँ पे, आप भी देखो इसको। मस्त यहाँ पे एकदम नीचे पूरा दिख रहा है, ये खाली मैक्लोडगंज है, धर्मशाला है यहाँ से बहुत नीचे जाके, मतलब ये बहुत हाइट पे है इसलिए आपको यहाँ से धर्मशाला नहीं दिखेगा। तो गाइज, अभी हमारे साथ यहाँ पोपट हो चुका है, जितने भी दोस्त दीदी वगैरह थे सारे चले गए टैक्सी करके, क्योंकि छोटी टैक्सी मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से मिली थी। बैग तो रख दिया, एक बैग रखना भूल गया, और बचे हम दोनों में और भैया, पैदल जा रहे हैं ऊपर तक, कम से कम 1.5 किलोमीटर। और दूसरी बात ये, बस सीधा चलते जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता हमें जाके रुकना कहाँ है, तो अभी चलते हैं सीधा, देखते हैं। यार यहाँ पे ना भाई कसम से पैदल चलने में भी रिस्क है, पैदल चल रहे हैं, पीछे से गाड़ी आ रही है, पता भी नहीं लग रहा, इतनी पतली सी रोड है, ये देखो इतनी पतली सी रोड है। अब यहाँ पैदल चलने वाला और गाड़ी चलने वाला दोनों एक साथ चल ही नहीं सकते हैं। गाइज, अभी मैं आपसे कह रहा था ना कि यहाँ पे दो रास्ते ना हो जाएं गलती से, अभी हम देखो यहाँ से सिंगल रास्ता आ रहा है, अब यहाँ आके हो गए यहाँ से दो रास्ते, एक रास्ता जा रहा है नीचे को, एक रास्ता जा रहा है ऊपर को। अब हमें ये नहीं पता कौन से रास्ते में जाना है, क्योंकि हम हैं दोनों पैदल, ना हमें रास्ता पता, हम पैदल अलग घूम रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता।
अभी फ़ोन करके पूछते हैं कहाँ जाना है यार। ये हमारे साथ ही क्यों पोपट होता है, पहले तो एक तो पैदल गए, उसके बाद हमें रास्ता नहीं पता, अब चलते हैं देखते हैं कहाँ जाना है। फ़ोन करके भैया पूछ रहे हैं, और देखते हैं कहाँ जाते हैं, नीचे जाना होगा या ऊपर चलना होगा। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुँच चुके हैं धर्मकोट, अभी नीचे हमें एक होटल मिला है, चलो होटल में चलते हैं, बैग वगैरह रखते हैं, फिर थोड़ा घूमने चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या क्या है। तो अभी नीचे को चलते हैं होटल की तरफ। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुँच चुके हैं, फिलहाल हमें रूम मिल चुका है। चलिए आपको पहले दिखाते हैं रूम कैसा है, फिर उसके आपको बाहर का नज़ारा दिखाएंगे, इतना मस्त व्यू है रूम के बाहर का। तो चलिए आपको पहले अपना रूम दिखाते हैं। ये कुछ ऐसा सा रूम है, यहाँ वॉशरूम है, यहाँ चेयर है, यहाँ बेड है, और ये है खिड़की। इसके बाहर का मस्त वाला व्यू आपको बाहर से दिखाता हूँ मैं, कितना मस्त लग रहा है भाई ये देखो भाई, इस चीज़ के पैसे हैं, ये चेक करो आप, कितना मस्त व्यू आ रहा है भाई बाहर से, मज़ा आ गया भाई। तो फ्रेंड्स अभी आ रखे हैं हम यहाँ छत पे, टेरेस पे आ रखे हैं अपने होटल की, आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, इतना मस्त व्यू आ रहा है ना सच में, आप भी कहोगे क्या व्यू है सच में। देखो एक बार आपको भी दिखाता हूँ, ये चेक करो भाई कितना मस्त व्यू आ रहा है भाई, ये अभी इतना मस्त लग रहा है, सोचो सुबह जब सनराइज होगा तब कितना मस्त लगेगा ये व्यू। ओ भाई क्या मस्त एकदम ऊपर तक, आपको वहाँ एक ऊपर यहाँ एक ये दिख रहा होगा होटल भाई, यहाँ से कितना मस्त व्यू आ रहा होगा जिसका ये होटल होगा, जिसने रूम ले रखा हो, कुछ ऐसा व्यू आ रहा है इतना मस्त। रात में एक बार आपको रात में भी दिखाएंगे यहाँ लाइटनिंग वगैरह के साथ कैसा व्यू आएगा, और अच्छा व्यू आएगा और मस्त लगेगा, फिलहाल के लिए ये चेक करें आप। तो फ्रेंड्स अभी आ रखे हैं हम यहाँ खाना खाने, अभी रात का डिनर करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसी है यहाँ पे जगह। तो ये देखो कुछ ऐसी सी है ये जगह यहाँ पे मस्त सी, और यहाँ पे इधर बॉनफायर भी है बाहर, तो बाद में देखते हैं, और ऊपर भी वहाँ एक जगह, बट हम वहाँ नहीं, हम यहाँ आराम से मस्त बैठ के खाएंगे। फ्रेंड्स फिलहाल हम डिनर करके पहुंच चुके हैं अपने रूम पे, अभी डिनर करने के बाद हम नीचे ऐसी जरा घूम रहे थे, मैंने दोबारा टी शर्ट चेंज कर ली थी हाफ में, बट यहाँ सीरियसली अभी रात में ठंड मतलब हो रही है यार, एज़ कम्पेयर टू डेली यहाँ ठंड हो रही है, रात में भी 11-12 टेम्परेचर होगा अराउंड, रात में क्या पता और कम हो जाए। तो यही था आज के ब्लॉग में जो भी था थोड़ा बहुत, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी ट्रैकिंग की, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा देखने में। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।